राष्ट्रीय लोक दल ने इंडिया गठबंधन कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था, उसके पीछे की वजह अब सामने आ गई है। चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह। दरअसल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीटें दी थी, जिनमें से 4 सीटों पर समाजवादी राष्ट्रीय लोक दल के चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे, जिसके बाद जयंत चौधरी नाराज होकर इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में चले गए। हालांकि उन्होंने अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल लगातार इंडिया गठबंधन पर हमला करती रहती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। जी हाँ, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, जिस पर अब जयंत चौधरी के करीबी और राष्ट्रीय लोक दल के नेता रोहित अग्रवाल ने तंज कसा है। रोहित अग्रवाल ने सलमान खुर्शीद के बगावती तेवरों को लेकर सपा कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं सलमान खुर्शीद साहब, परंतु इंडिया गठबंधन स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना कर रहा है। जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। चलिए अब आपको बताते हैं सलमान खुर्शीद ने कैसे और क्यों की बगावत। दरअसल यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज हैं। वो फरुखाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीटों के बंटवारे में ये सीट सपा के खाते में चली गई है। समाजवादी पार्टी ने सीट से अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। सपा ने यहां से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करें आखिर क्यों नाराज है सलमान खुर्शीद, तो आपको बता दें, फरुखाबाद सीट के सपा के खाते में जाने से सलमान खुर्शीद नाखुश हैं, जिसके बाद उनके बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, फरुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाले नस्लों का है, किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ झुकूंगा नहीं, तुम साथ देने का वादा करो मैं नगमे सुनाता रहूं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।